नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हां साथियों, सऊदी की हम दो से तीन अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक, सऊदी अरबिया ने 5 साल का वीजा जारी कर दिया। जी हां साथियों, एक अच्छी न्यूज है, लेकिन कौन सी कंट्री के लिए किया ये हमें जानने को मिलेगा। सेकंड टॉपिक पे हम बात करेंगे, अभी आपके पास खामा एक अखामा होता था, जिसको आप प्रिंट कॉपी या फोटोकॉपी आपको साथ में रखना होता था, उसको डिजिटल कर दिया गया, उसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सऊदी अरबिया को अभी भाई ताकतवर सबसे 11 कंट्री 11 स्थान पे ताकतवर का नंबर दर्जा मिला है, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री सऊदी से रिलेटेड सही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं साथियों। सऊदी रियाद मंत्री परिषद ने एक अहम फैसला लेते हुए बता दूं, सऊदी अरबिया और ब्राजील के बीच में एक समझौते पे हस्ताक्षर हुआ है। जी हां साथियों, उनमें 5 साल का वीजा देने का प्रावधान किया गया है। अब ये वीजा कैसे मिलेगा बता दूं मैं, इसका मतलब ये होता है दोनों देशों के बीच में, यानी सऊदी 5 साल का वीजा ब्राजील की लोगों को देगा, ब्राजील की सरकार सऊदी के लोगों को 5 साल का वीजा देंगे। जी हां साथियों, इसकी फीस भी बहुत कम रखी गई, मात्र 300 सऊदी रियाल में ये वीजा मिल जाएगा। अगर डॉलर की बात करें तो $80 में ये वीजा मिल जाएगा 5 साल तक। लेकिन इसकी कंडीशन क्या रहेगी, ये वीजा वर्क परमिट वीजा नहीं होगा, ये विजिट वीजा होगा। इसमें एक साथ में आप 6 महीने तक रह सकते हैं, यानी 90 दिन तक आप एक बार में रह सकते हैं, 90 दिन तक एक बार में रह सकते हैं, टोटल आप 180 दिनों से ज्यादा एक साथ नहीं रह सकते। जी हां साथियों, ये इसमें कंडीशन एक साल में लगाई गई है। बाकी दोनों को उनके जो कंट्री के लॉ बने हुए हैं, जिनके कानून बने हुए हैं, उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के तहत आप वहां पे रह सकते हैं। ये नहीं कि 5 साल का वीजा मिल गया तो आप मन मर्जी कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक अपडेट थी। सेकंड अपडेट पे हम बात कर लेते हैं कि एक न्यूज जारी हुई है, वार्षिक होती है उस हिसाब से, कि सऊदी अरबिया को शक्तिशाली कंट्री के रूप में 11वां स्थान मिला। हालांकि इसकी अभी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, जैसे ही होती है कौन से क्षेत्र में कैसे किस आधार पर मिला तो उसका अलग से वीडियो बनाएं। आगे बात कर लेते हैं साथियों, एक अखामा आपको सबको पता है कि विदेश के लोग हैं जो रहते हैं सऊदी अरबिया में, उसको वहां उनको रहने के लिए एक अखामा होता है, डिजिटल आईडी उनको बोल सकते हैं, अपनी जेब में होती है। वो कहीं पे गिर जाए, कहीं पे भीग जाए, पानी में गिर जाए, कट जाए, फट जाए, अपने मोबाइल में रखना वगैरह वगैरह कई उसमें पंगे होते थे, लेकिन अभी सरकार ने उसको डिजिटलाइज करते हुए बहुत अच्छा ऑप्शन आपको दे दिया। आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो अखामा है, आपको अखामा जिसको बोलते हैं, उसकी एक इमेज कॉपी आपके मोबाइल में रखनी होती है, गैलरी में सेव करके रखोगे, वही आपके लिए काफी है। अगर आपको किसी, मान लीजिए वहां के बल्दिया ने, पुलिस ने या किसी ने भी आपको रोका, आपको चेक किया, तो उसको आपको दिखाना होगा, और वो चेक किसका होगा, एक अफसार एक ऐप आता है, आपको पता है सऊदी में अफसार एक ऐप है, उस पे उसको ऑफलाइन में चेक किया जाता है, उसकी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नेट की। ये नहीं कि भैया वो नेट से ही चलेगा, तब आपका अगर नेट नहीं चल रहा है, आप मोबाइल लेके खड़े हैं कि कब नेट चले, कब हमारा खामा चेक करवाएं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऑफलाइन में वो चलेगा, डिजिटली एक तरीके से कर दिया गया। आपका खामा आप अपनी जेब में कहीं पर भी अपने घर पे रखें, उसको सुरक्षित रखें, साथ में लेने की जरूरत नहीं होगी। ये छोटी सी 3 अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।